चुनाव का ऐलान होते ही राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। अकोला में वंचित ने प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया है कि डॉक्टर रहमान खान का वंचित से कोई संबंध नहीं है। पिछले राज्यसभा और विधान परिषद में मुस्लिम समुदाय को एक भी उम्मीदवारी नहीं देने से कांग्रेस की नीति की पृष्ठभूमि में वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र में 11 मुस्लिम उम्मीदवार देने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ है, जिसके बाद अब कांग्रेस हड़बड़ी में आकर हमारे राजनीतिक मित्र डॉक्टर रहमान खान को जल्दबाजी में पक्ष प्रवेश कराने से कांग्रेस पार्टी की स्वार्थी राजनीतिक चरित्र को उजागर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर रहमान खान द्वारा वंचित छोड़ने की गलत खबर प्रकाशित की थी। वंचित ने प्रेस नोट जारी कर ये कहा कि कांग्रेस नेताओं को सपने में भी वंचित बहुजन आघाड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस पक्षाने डॉक्टर रहमान खान वंचित मधून कांग्रेस पक्षात आले ही बातमी दिली। डॉक्टर रहमान खान हे आमचे राजकीय मित्र आहेत। त्यांचे आमचे पक्ष म्हणून 2019 मध्ये डॉक्टर रहमान खान यांना उमेदवारी न दिल्यामुळे त्यांनी MIM मधून आमच्या वंचितच्या विरोधात निवडणूक लढली। त्यापासून त्यांचे आणि वंचितचे संबंध मिटले आणि आज काँग्रेसच्या नेत्यांच्या स्वप्नात सुद्धा वंचित बहुजन आघाडी येते। मी काँग्रेसच्या नेत्यांना एवढंच सांगतो की आपण वंचितचा एवढा धसका घ्यावा नाही।